हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, इस बात को हम समझ चुके थे। इज इट ओके? तो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा था, आपने देखा कि प्लांट्स में ओव्यूल के अंदर कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या चीज कंप्लीट हुई, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट हुआ जायगॉट का फॉर्मेशन। इज इट ओके? और ये जो जायगॉट है, ये जायगॉट ही फाइनली किसमें कन्वर्ट होगा, ये जायगॉट ही फाइनली कन्वर्ट होगा सीड में। किसमें कन्वर्ट होगा ये जायगॉट, ये जायगॉट कन्वर्ट होगा सीड के अंदर। आ गई बात समझ में? और ये जो सीड है, इस सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस सीड के अंदर प्रेजेंट होता है एक बेबी प्लांट। आई बात समझ में? और जो ओव्यूल था, दिस ओव्यूल विल चेंज इनटू अ सीड कोट। ये ओव्यूल किसमें चेंज हो जाता है, ओव्यूल चेंज होता है सीड कोट में, एक टफ सीड कोट के अंदर। इज इट ओके? जो सीड की प्रोटेक्शन के लिए होता है। ओके? और जो ओवरी है, दिस ओवरी विल चेंज इनटू अ फ्रूट। ये ओवरी किसमें चेंज हो जाती है, ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट के अंदर। तो देखिए, कुछ सीड्स आपके घरों में डब्बों के अंदर भी पैक्ड होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे आप छोले खाते हो, दैट इज अ सीड विच कंटेन अ बेबी प्लांट इन इट। आप काले चने भी खाते हो, इज इट ओके, दैट इज ऑल्सो अ सीड विच कंटेन्स अ बेबी प्लांट इन इट। इज इट ओके? आप डिफरेंट टाइप के बीन्स खाते हो, जैसे किडनी बीन्स आप खाते हैं, जिसे आप राजमा बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सीड। तो ये जितने भी सीड आपके घरों में रखे हुए होते हैं, क्या इन सबके अंदर बेबी प्लांट होता है? बिल्कुल, इन सबके अंदर बेबी प्लांट होता है। पर ये सीड फिलहाल जब तक आपके घरों के डब्बे के अंदर रखे हैं या किसी भी तरीके से इस सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तब तक ये सीड इन एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं? इनएक्टिव स्टेट में। आप चाहें तो इसे इनएक्टिव स्टेट भी बोल सकते हैं और आप चाहें तो इसे डॉर्मेंट स्टेट भी बोल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अगर आप इस सीड को एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होंगी और किस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, हम उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। उससे पहले आप इन तीनों के कन्वर्जन्स को नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा और नोट डाउन करने के बाद में हम जानने जा रहे हैं कि आखिर ये जो सीड है, जो बिल्कुल टफ कवरिंग के साथ में आपके घरों में प्रेजेंट है या किसी भी तरीके से प्रोटेक्टेड है या स्टोर्ड है, इसको आप एक न्यू प्लांट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस बात को देखिएगा। तो जैसे मानिए कि मेरे पास में एक किडनी बीन है। ओके? किडनी बीन का मतलब, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जिसे आप हिंदी में राजमा बोला करते हैं, उसका सीड है हमारे पास में। तो जो उसका सीड है, उस सीड का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ। ये हमने सीड का कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दिया। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो यहाँ पर किडनी बीन्स दो बना दी है, तो बिल्कुल भी नहीं, दो नहीं बनाई है, एक ही बनाई है। आपको पता होगा कि अगर आप उसे प्रॉपरली वाटर में सोक कर दें, तो वाटर में सोक करने के बाद में दैट पर्टिकुलर सीड ऑफ किडनी बीन कैन बी स्प्लिट इजीली इनटू टू पार्ट्स। और ये वाले कैरेक्टरिस्टिक और भी बहुत सारे सीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर सीड को आप बिल्कुल एग्जैक्टली टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। इज इट ओके? और ये जो दो इक्वल हाफ्स में आपने इनको डिवाइड किया है, इन पर्टिकुलर दोनों हिस्सों को क्या बोला जाता है, इन दोनों हिस्सों को बोला जाता है कॉटिलिडन्स। क्या बोला जाता है इनको, इनको कॉटिलिडन्स बोला जाता है। देखिए, जब तक बात एक सीड की जाए, एक सीड के अंदर लीव्स नहीं होती हैं, तो जब शुरुआती दौर पर जब उस सीड को डेवलप होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पर प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते।
क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज एट दैट टाइम दे डोंट हैव ग्रीन कलर्ड लीव्स इन देम. क्या नहीं होती है उनके अंदर? ग्रीन कलर की लीव्स नहीं हुआ करती हैं. आई बात समझ में? तो उस पर्टिकुलर टाइम पर सीड से बेबी प्लांट में कन्वर्जन वाला जो पीरियड होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उस टाइम पर प्लांट को जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है, उसी फूड का स्टोरेज होता है इन कॉटिलिडन्स के अंदर. ये कॉटिलिडन और ये दूसरा कॉटिलिडन, इन कॉटिलिडन का क्या पर्पज़ होता है? इन कॉटिलिडन्स का पर्पज़ होता है बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करने का, फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, फॉर द ग्रोथ ऑफ सीड इनटू अ न्यू प्लांट. वॉट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इज देयर, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ दीज कॉटिलिडन्स. आ गई बात समझ में? तो कॉटिलिडन्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? कॉटिलिडन्स के अंदर प्रेजेंट है फूड, प्रेजेंट है. कब तक ये फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है सीड की? तब तक जब तक कि प्लांट्स में क्या शुरू ना हो जाए? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू ना हो जाए. इज इट ओके? चलिए देखिएगा ध्यान से. ये तो है भाई कॉटिलिडन्स, और कॉटिलिडन्स का काम आपको समझ में आ गया है. एट दैट पर्टिकुलर जॉइंट है, देयर इज अ जॉइंट इन बिटवीन दीज टू कॉटिलिडन. इन दोनों के बीच में जॉइंट होता है, और जैसे ही आप इस सीड को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर दो. फिलहाल ये सीड कौन सी कंडीशन में था? ये कंडीशन में था इनएक्टिव स्टेट में, विच इज ऑल्सो नोन एज डॉर्मेंट स्टेट. डॉर्मेंट स्टेट है, बिल्कुल इनएक्टिव स्टेट है, किसी तरीके का कोई लाइफ प्रोसेस उसके अंदर फिलहाल कंप्लीट नहीं हो रहा है. पर जैसे ही आप इस सीड को फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर दो, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है? सॉइल के लिए बात करें, सॉरी सीड के लिए बात करें, तो फेवरेबल कंडीशन में आती है सबसे पहली चीज़ सॉइल, फिर दूसरी चीज़ वाटर, फिर तीसरी चीज़ अ रेगुलेटेड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर. बहुत सर्दी या फिर बहुत गर्मी नहीं होनी चाहिए. तो जैसे ही इस सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, ये फेवरेबल कंडीशंस में एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है इसका, दैट विल चेंज इनटू द रूट्स. ये किस में डेवलप होना शुरू हो जाएगा? रूट में डेवलप शुरू होने लग जाएगा. इज इट ओके? एंड द पार्ट ऑफ द सीड विच ग्रोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू प्रोड्यूस दीज रूट्स, इस पर्टिकुलर पार्ट को पता है क्या बोला जाता है? इस पर्टिकुलर पार्ट को बोला जाता है रेडिकल. तो रेडिकल इज द पार्ट ऑफ द सीड विच चेंजेस इनटू रूट. जो किसमें चेंज होगा? जो रूट में चेंज होगा. इस रूट में चेंज होने वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? इस रूट में चेंज होने वाले पार्ट को बोला जाता है रेडिकल. And after the formation of root, a particular one more part is present at this joint which will develop into the shoot system. जो किसमें convert होगा? जो shoot system में convert होगा. आ गई बात समझ में? लीव्स होंगी, ब्रांचेस होंगी, एवरीथिंग विल बी देयर. एंड द पार्ट ऑफ द सीड विच विल डेवलप इनटू द शूट सिस्टम इज नोन एज प्ल्यूम्यूल. क्या बोला जाता है इसको? प्ल्यूम्यूल बोला जाता है. और ये जो प्रोसेस है, ये जो इनिशियल स्टेजेस हैं, द इनिशियल स्टेजेस ड्यूरिंग विच द सीड इज गोइंग टू ग्रो एंड इज गोइंग टू चेंज इनटू अ न्यू प्लांट, दिस पर्टिकुलर इनिशियल स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड. याद रखना मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है इनिशियल स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड. दीज इनिशियल स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ सीड. इन इनिशियल स्टेजेस को क्या बोला जाता है? इन इनिशियल स्टेजेस को बोला जाता है जर्मिनेशन ऑफ सीड. इज इट ओके? तो देखिए, ये जो फूड है, ये फूड यहाँ पर क्या कर रहा है? धीरे धीरे इस पर्टिकुलर सीड को एनर्जी दे रहा है टू ग्रो, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शूट सिस्टम. एंड फॉर दिस पर्पज ओनली दीज आर द कॉटिलिडन्स विच स्टोर्स अ लॉट ऑफ फूड फॉर द इनिशियल स्टेजेस फॉर द जर्मिनेशन ऑफ फूड. एंड इन दिस वे अ बेबी प्लांट विल ग्रो, एंड इन दिस वे द रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज फाइनली ओवर. इज इट ओके? सो नोट इट डाउन, इसको नोट डाउन कर लें, इनके नामकरण कर लें. प्ल्यूम्यूल रेडिकल, रेडिकल विल चेंज इन टू रूट, प्ल्यूम्यूल विल चेंज इन टू शूट, एंड दीज आर द कॉटिलिडन्स विच स्टोर्स अ लॉट ऑफ फूड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड. इज इट ओके? सो नोट इट डाउन, डू इट फास्ट. ओके? हाँ जी, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा. तो हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में, वो कंप्लीट हो गया है. हमें ये बात समझ में आ गई है
कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन प्लांट में हुआ करता है। ओके, तो इसको बात को समझने के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमें शुरू करना है वो हमें शुरू करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें पढ़ना है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके अंदर पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको? हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो देखिए, जब बात एनिमल्स की जाती है, जब बात एनिमल्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जाती है, देन व्हाट वुड हैपन, क्या होता है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, तो देखिएगा। ये बात बिल्कुल कॉमन है और आपको पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं दैट वेन एवर वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनी लिविंग बींग, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, देन द बेसिक थिंग इज सेम, दैट इज द मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड द फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सेल, दे बोथ आर गोइंग टू फ्यूज विद ईच अदर एंड द फॉर्मेशन ऑफ जायगॉट विल टेक्स प्लेस, इज इट ओके। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ बातें जानते हैं। जैसे हम जानने जा रहे हैं यहाँ पर मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स की, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स, जिसके और भी ढेर सारे नाम मैंने आपको बताए हैं। आप इसको मेल गैमेट्स भी बोल सकते हैं, इसी के साथ साथ आप इसे मेल जर्म सेल भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? और इसी के साथ साथ एक नाम और इसको प्रोवाइडेड है, इसको स्पर्म भी बोला करते हैं। मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स आर ऑल्सो नोन एज स्पर्म्स, इज इट ओके। एंड सिमिलरली वी हैव टू नो अबाउट द फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स ऑल्सो। जो फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, ये फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स को कौन प्रोड्यूस करता है? फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स को प्रोड्यूस करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, इज इट ओके। और फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स को बोला जाता है फीमेल गैमेट्स। क्या बोला जाता है? फीमेल गैमेट्स बोला जाता है। और फीमेल गैमेट्स के साथ में इसको बोला जाता है, इसको भी जर्म सेल बोला जा सकता है, सिमिलरली रिप्रोड्यूसिंग सेल। और एक स्पेसिफिक नेम जो फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सेल को प्रोवाइडेड है, दिस इज नोन एज ओवम। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ओवम। नाउ लुक हियर, व्हेन वी वांट टू नो अबाउट द स्पर्म, देन स्पर्म इज अ सिंगल सेल। ये स्पर्म क्या है? एक सिंगल सेल है। इसी तरीके से ये जो ओवम है, ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। तो ये दोनों सेल्स दिखती कैसी हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। व्हेन वी वांट टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्पर्म स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। देखिएगा, ये तीनों पार्ट मैं आपके सामने यहाँ पर बनाने जा रही हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल सेल विच इज नोन एज स्पर्म। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्पर्म। एंड दिस स्पर्म स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज द टेल ऑफ द स्पर्म, इसको टेल बोला जाता है स्पर्म की। और ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है मिडिल पार्ट ऑफ द स्पर्म, या मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म, एंड दिस इज द हेड ऑफ द स्पर्म। तो फाइनली दिस सिंगल सेल, दिस सिंगल मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल, this is a single cell only, is classified into these three parts. This is the tail, this is the middle piece, and this is the head. And whatever the important part of the cell is there, they all are located in this head. सारी की सारी चीज़ें किस में located होती हैं? Head में located होती हैं। सारी की सारी चीज़ों का मतलब, a proper developed nucleus is present, is it okay? And around this cytoplasm is present. हाँ, अगर हम इस स्पर्म को हमारी नॉर्मल सेल से कंपेयर करना चाहें, देन देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सेल एंड दिस रिप्रोड्यूसिंग सेल। अगर हम हमारी नॉर्मल सेल के नॉर्मल न्यूक्लियस की बात करना चाहें, देन देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। अगर बात क्रोमोसोम की जाए, तो हमारी हर सेल के अंदर, चाहे मेल वन हो चाहे फीमेल वन हो, हमारी हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 46, विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स। जो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? 23
पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर अगर इस स्पर्म के न्यूक्लियस की बात करी जाए, देन दे डोंट हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, दे हैव 23 क्रोमोजोम्स ओनली। इन रिप्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर सिर्फ कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 23 अनपेयर्ड क्रोमोजोम, दे डोंट हैव पेयर्स ऑफ देम, इज इट ओके? तो इन द नॉर्मल सेल्स द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आर 46, एंड इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल्स, वेदर इट इज अ मेल वन और इट इज अ फीमेल वन, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आर जस्ट हाफ। दैट मीन्स 23 अनपेयर्ड क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल विच इज ऑल्सो नोन एज स्पर्म, एंड दीज स्पर्म आर वेरी मोटाइल। ये कैसी सेल्स होती हैं? ये स्पर्म्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोटाइल? मोटाइल मीन्स दीज स्पर्म्स कैन मूव वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट ये मूवमेंट कर सकते हैं, और इनके फास्ट मूवमेंट का कारण होता है इनके पीछे प्रेजेंट ये लंबी सी टेल। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस टेल, दीज स्पर्म्स इजीली कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इज इट ओके? बट दिस इज अ सिंगल सेल ओनली। नाउ वी हैव टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, दैट इज अ फीमेल गैमेट, एंड वेन वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द स्पर्म, देन इट इज नॉट दैट मच मोटाइल, कैनॉट मूव इजिली एज इट डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर टेल विच इज लोकेटेड विद इट, इज इट ओके? सो नाउ वी आर गोइंग टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। सो लुक हेयर, दिस इज ओवम, स्फेरिकल सेल ओवम इट इज, सिंगल सेल है ये भी, इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ढेर सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एज कंपेयर टू स्पर्म, दिस नंबर ऑफ दिस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज वेरी मच इन द ओवम, एंड द साइज ऑफ ओवम इज ऑल्सो वेरी बिग एज कंपेयर टू द साइज ऑफ दिस स्पर्म। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, इज इट ओके? तो आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लीजिए और जो भी बोर्ड पर है सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए, ओके? हाँ जी, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, और इसको नोट डाउन करने के बाद में नाउ व्हाट वुड हैपन? अब हमको पता लग गया है कि मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल को क्या बोला जाता है, कैसी दिखती है, कैसे मूव करती है, फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सेल को क्या बोला जाता है, वो कैसी दिखती है, कैसे मूव करती है या नहीं करती है। इन सारी बातों को जानने के बाद में हमें ये जानना है दैट हाउ डज दिस रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, एनिमल्स में ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस कंप्लीट होना होता है दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। एंड वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब वही होता है जो आपने अभी तक पढ़ा है, दैट इज़ द फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ वॉट? फ्यूजन ऑफ अ मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल विद अ फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड द फॉर्मेशन ऑफ जायगॉट। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? जायगॉट का। मतलब दो सेल के फ्यूजन से ये सिंगल सेल बन जाती है, दैट इज नोन एज जायगॉट, उसे क्या बोला जाता है? जायगॉट। और ये सिंगल सेल ही है जो फर्दर डिवाइड होकर एक न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन किया करती है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, इज इट ओके? एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस? लुक हियर, जैसा कि आपने देखा था कि दिस इज अ मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल विच इज ऑल्सो नोन एज स्पर्म, जिसको आपने एक नाम दिया था, दिस इज इट्स न्यूक्लियस एंड दिस इज ओवम। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन इट एंड द साइज ऑफ ओवम इज ऑल्सो वेरी बिग। कैसा होता है ओवम का साइज? बहुत ही बिग होता है। तो वेन एवर दे बोथ कोलाइड विद ईच अदर, ये जो स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होता है, देन वॉट वुड हैपन? लुक हेयर, यहाँ पर इस न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोजोम्स प्रेजेंट हैं? इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं 23 क्रोमोजोम्स, और इस न्यूक्लियस में ओवम के अंदर भी कितने क्रोमोजोम्स प्रेजेंट हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, देन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट। मतलब यहाँ पर भी कितने क्रोमोजोम्स प्रेजेंट हैं? 23।
तो यहाँ भी 23 अनपेयर्ड सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं और यहाँ भी 23 अनपेयर्ड सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। सो व्हेन दे बोथ फ्यूजेस विद ईच अदर, तो ये जो इसका हेड है, ये हेड कहाँ पर रह जाता है? ये हेड अंदर चला जाता है और जो टेल है वो कहाँ रह जाती है? ओवम के बाहर। और इसके बाद में इन दोनों के न्यूक्लियस जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और ये जो ओवम है, दिस आफ्टर दिस फ्यूजन दिस ओवम विल चेंज इनटू अ जायगोट। ये ओवम किस में कन्वर्ट हो जाता है? जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जायगोट के फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है? जायगोट के फॉर्मेशन के बाद में जायगोट के मल्टीपल डिवीजन के थ्रू, इस सेल के मल्टीपल डिवीजन के थ्रू किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। आई बात समझ में? अब ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, इट कैन बी डन इन टू वेज। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दो तरीके से कंप्लीट हो सकता है एंड ऑन दैट बेसिस दिस फर्टिलाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इस फर्टिलाइजेशन को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन पढ़ना है आपको? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। और जो नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन आपको पढ़ना है, दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन? लुक हियर वेरी केयरफुली। व्हेन वी वांट टू नो अबाउट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो क्या मतलब होता है इसका, या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सुनिएगा ध्यान से। अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर हो, इज इट ओके, फीमेल बॉडी के अंदर अगर ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा हो, देन इट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे बात अगर डॉग की जाए तो दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। बात अगर ह्यूमन बीइंग्स की जाए, देन ऑल्सो द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इज इट ओके। कैट की जाए, देन द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बट व्हेन वी वांट टू डिस्कस अबाउट सम पर्टिकुलर अदर स्पेशीज, जस्ट लाइक इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द फ्रॉग, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द फिश, देन दीज आर द एनिमल्स इन विच एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ना हो, फीमेल बॉडी के बाहर हो, दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो ड्यूरिंग देयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द मेल फ्रॉग, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस इट फॉर अ फ्रॉग, सो अ मेल फ्रॉग विल रिलीज द स्पर्म इन टू द वॉटर। स्पर्म का रिलीज ये कहाँ पर कर देता है? पानी के अंदर। सिमिलरली द फीमेल फ्रॉग ऑल्सो डज द सेम, द रिलीज ऑफ ओवम विल टेक प्लेस इन टू द वॉटर। सो द फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स द फ्यूजन ऑफ दीज टू सेल विल बी देयर इन वॉटर ओनली। इन वॉटर ओनली द न्यू फ्रॉग और द न्यू फिश इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस, इज इट ओके। तो इन दिस वे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, फिशेज एंड सम मोर स्पेशीज, इज इट ओके। सो व्हेन द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज देयर, सो एज वी कैन सी दे बोथ आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस इन वॉटर ओनली, सो वॉट एवर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ वॉटर इज देयर, दे अफेक्ट अ लॉट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दीज स्पेशीज। तो पानी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, थोड़ा भी ज़्यादा या थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए। इन दैट कंडीशन दीज एग्स विल नॉट एट ऑल एबल टू डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज नहीं हो पाते हैं। आ गई बात समझ में? तो इसके लिए जो आपके पानी की क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो पानी में पॉल्यूशन का लेवल है, जो पानी में टेम्परेचर की कंडीशन है, वो सब बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, सो दैट द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस ईजिली इन फ्रॉग एंड फिशेज एंड ऑल द स्पेशीज इन विच दिस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। ओके, तो आप इनको दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। और नोट डाउन करने के बाद में हमें क्या जानना है? हमें जानने हैं कुछ हार्मोन्स
विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो चलिए उनके बारे में हम जानेंगे। हाँ जी, तो देखिएगा जो नेक्स्ट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, तो इस रिप्रोडक्शन की बात जब ह्यूमन बीइंग्स में की जाए तो ह्यूमन बीइंग्स में इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कौन से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए हम दोनों के बारे में जानते हैं, दैट इज द फीमेल वन एंड द मेल वन। तो मेल के अंदर अगर बात करें या फीमेल के अंदर अगर बात करें तो टू हार्मोन्स आर देयर, इज इट ओके? कौन से हार्मोन्स होते हैं फीमेल के अंदर, सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट हार्मोन इज नोन एज ईस्ट्रोजन हार्मोन। क्या नाम होता है इसका? ईस्ट्रोजन हार्मोन। एंड द सेकेंड हार्मोन विच इज सीक्रेटेड इज नोन एज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और बात अगर मेल वन की जाए तो ओनली वन हार्मोन इज देयर विच इज गोइंग टू कंट्रोल ऑल द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन द मेल, एंड दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इज इट ओके? तो नाउ ऑल द रिप्रोडक्शन एंड ऑल द डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर विच आर गोइंग टू बी डेवलप्ड इन द फीमेल वन एंड द मेल वन आर गोइंग टू बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ दीज हार्मोन्स। दिस इज ईस्ट्रोजन, दिस इज प्रोजेस्टेरोन एंड दिस इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो अब हमको ये जानना है कि आखिर इनको कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है और किस एज में इनका सीक्रेशन स्टार्ट होता है। तो अगर बात फीमेल्स की जाए तो फीमेल्स में इन हार्मोन का सीक्रेशन बाय बर्थ नहीं होता है। सिमिलरली मेल में भी इस हार्मोन का सीक्रेशन बाय बर्थ नहीं होता है। तो व्हेन वी वांट टू नो अबाउट द फीमेल वन देन द एज एट विच द प्रोसेस ऑफ द सीक्रेशन टेक्स प्लेस इज 10 to 12 years, and while we are going to discuss it for the male, then the age at which the hormone testosterone is going to secrete is the 13 to 14 years. So at this age, these hormones are going to reproduce and are going to produce in their bodies, is it okay? And this age after which these hormones are secreted, this particular age is known as प्यूबर्टी एज। क्या बोला जाता है इस एज को? इस एज को बोला जाता है प्यूबर्टी एज, इन द मेल एज वेल एज इन द फीमेल। तो इन हार्मोन का और क्या रोल होता है ह्यूमंस के अंदर और क्या क्या फंक्शंस इनके थ्रू कंप्लीट होते हैं, किस तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स अपना काम कंप्लीट करते हैं, दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। तो बाय एवरीवन।